नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। देश के कई राज्यों में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर बढ़ने लगा है। देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं उनमें महाराष्ट्र विशेष रूप से शामिल है। कोरोना संक्रमण की इस सूचना के बाद बिहार सरकार अलर्ट मोड पर है। इस मामले को लेकर मंगलवार को मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव सहित कई विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। बैठक के बाद स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि इस बैठक में सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ साथ डीआईजी और कमिश्नर भी मौजूद थे। बैठक में फैसला लिया गया है कि अब जो आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा उसके बाद पता किया जाएगा कि मरीज बाहर से आया है या यहीं का है। इसके बाद माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा, मतलब कि छोटे कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा और सभी की आरटीपीसीआर जांच की जाएगी। वहीं बुधवार से बिहार में विशेष तौर पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, वाहनों की जांच की जाएगी और वैक्सीनेशन की भी समीक्षा की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले 2-4 दिनों में सभी होमगार्ड्स का वैक्सीनेशन करा लिया जाएगा ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी मदद दिया जा सके। वहीं AES को लेकर 12 जिलों के DM के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रारंभिक तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि स्वास्थ्य सचिव ने यह भी कहा है कि वर्तमान में जो स्थिति है उससे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कई शहरों के अलावा दूसरे राज्यों में भी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। पुणे में तो 28 फरवरी तक सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। पुणे के अलावा नासिक में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं वतमाल, अमरावती और अचलपुर के भी कुछ इलाकों में लॉकडाउन लगाया गया है। इन जगहों पर सख्ती के बाद बिहार में भी अलर्ट जारी हो गया है। बिहार के अधिकारी कोरोना केस पर नजर रखे हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल यहां लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं है, फिर भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। लोगों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, उन्हें केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करने के लिए भी कहा जा रहा है। राज्य सरकार ने एक ओर सभी जिलों में संक्रमितों की पहचान के लिए जांच के साथ साथ मास्क लगाने व शारीरिक दूरी को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। वहीं दूसरी तरफ होली को लेकर बिहार आने वाले लोगों की एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर ही जांच कराने का फैसला लिया गया है। पटना की सिविल सर्जन विभा कुमारी सिंह के हवाले से बताया जा रहा है कि आगामी 29 मार्च को होली को लेकर बिहार आने वाले लोगों की जांच के लिए एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप पर डॉक्टरों को तैनात किया जाएगा। उनके साथ मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की भी तैनाती की जाएगी। वे बाहर से आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग व कोरोना जांच करेंगे। इसके लिए डॉक्टरों की सूची तैयार की जा रही है। जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग मिलकर काम करेंगे ताकि राज्य के बाहर से आने वाले सभी लोगों की जांच कराई जा सके। कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर कोरोना को लेकर पूरी व्यवस्था की समीक्षा की। प्रधान सचिव ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया है, साथ ही कोरोना जांच, आइसोलेशन सेंटर और आईसीयू की व्यवस्था रखने का निर्देश भी दिया गया है। बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण का मामला मिलने पर उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराई जाएगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।